हेलो एवरीवन, ओके आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, 20 न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगी मैं। और इससे पहले मैंने रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल कराए थे, उससे पहले मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले एक जगह करवाए थे। वैसे हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनी हुई है जो आप लोगों को पता ही है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। ये मेन 20 न्यूमेरिकल है तो मैंने इसमें सारे जितने भी हैं सारे फॉर्मूले को सबको कवर करा है। इसके बाद आपको कोई ये यदि न्यूमेरिकल आपको आ गए, आपने कर लिया अपने आप, तो कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा एग्जाम में नहीं होगा जो कि आपको नहीं आएगा। ओके, तो आप इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के यदि आपके पास प्रिंटर है तो इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए। ये 10 न्यूमेरिकल हैं, अभी 10 न्यूमेरिकल अभी मैं और आपको दूंगी, वो मैंने लिखे हुए हैं पहले से इसे लिख लिया, इससे थोड़ा सा आप लोगों की टाइम की बचत हो, छोटी वीडियो में आप लोगों को मैं ज़्यादा बता सकूं मैं। तो यदि आप कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के और मतलब प्रिंट आउट निकाल करके आप लोग खुद कर लीजिए, जिन्हें नहीं आ रहे हैं तो वो पहले समझ लीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम। अभी मैं तीन चार क्वेश्चन करने के बाद यहाँ सारे फॉर्मूले भी अभी लिख दूंगी मैं यहाँ पर, ये तो इजी वाले हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब आपको पता है फॉर्मूला कौन सा सबसे पहले वाला क्या था, क्यू इक्वल्स टू एन ई। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम, यहां पर वन कूलम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मैंने बताया एक नंबर में आता है तो आपको लर्न भी होना चाहिए, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है आपका 6.25 × 10⁻¹⁸। ये लर्न भी होना चाहिए कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁹, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू सेल ऑफ ईच 10 वोल्ट, 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर, ये रजिस्टर लगाने हैं उसमें। अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कि ये सब सीरीज में होंगे, रजिस्टर को सबको सीरीज में लगाना है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, यानी इक्वलेंट हमें आर निकालना है, रिजल्टेंट आर और आई निकालना है। मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। देखिए तो इतना कर देती हूँ मैं, यहाँ पर दो रजिस्टर बना दीजिए, एक दो, राइट। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक अमीटर बना देते हैं, लिखा हुआ नहीं, कभी कभी आ भी जाता तो पता होना चाहिए। दो सेल बना देती हूँ मैं, एक दो, ठीक है। और वो कितने वोल्ट के बताए थे अभी, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, राइट। और उसके बाद में फिर रजिस्टर कितने के थे ये, और यहाँ पे एक प्लग की, ये किया गई, ये क्लोज्ड है तभी इसमें से होगा। और ये कितने थे आपके, ये 10 ओम और 15 ओम, तो ये डायग्राम बन गया आपका ये, राइट। तो ये एमीटर आ गया और यहाँ पर ये हो गए, ठीक है, राइट। अब हमें क्या बताना, रिजल्टेंट आर, ये सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू आर वन, दो है प्लस आर टू, मीन्स 10 + 15, 10 ओम + 15 ओम क्या आ गया यहाँ पर, 25 ओम। उसके बाद हमें करंट निकालना है तो करंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर कितना आ गया ये आर, आर आ गया यहाँ पर 25 ओम। वी इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला सब जगह जाता है, मोस्टली लगता है यदि हमें ये आपका रेजिस्टेंस पर रहा हो, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, वी बाई आर। वी कितना होगा, दो है, दो यहाँ पे सेल है तो ये बन गई बैटरी, तो 20 वोल्ट अपॉन 25 ओम। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.8 एम्पियर, ध्यान रखना ये किस में लिखेंगे, यूनिट एम्पियर में,
ये ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, वरना अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लोएस्ट एंड हाईएस्ट आर 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। किस किस का? 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। देखिए यदि हमें लोएस्ट निकालना है, ध्यान रखिए यदि लोएस्ट निकालना है तो इट मीन्स किस में होगा? पैरेलल में। और यदि सीरीज होगा, यदि हाईएस्ट निकालना है तो सीरीज में। सीरीज मतलब कि क्या फॉर्मूला होता है? R1 + R2 + R3 डॉट जितने भी हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 = R1 + R2 जितने भी हैं यहाँ पर वो आ जाएंगे यहाँ पर। ओके अंडरस्टूड राइट। तो कितने यहाँ पर? 4। इसको हम इससे सॉल्व कर लेंगे तो ये जो निकल कर आएगा ये तो हाईएस्ट होगा और ये लोएस्ट। जब भी ऐसा लिखा हो लोएस्ट एंड हाईएस्ट हमें निकालना है, आर निकालना है, तो ऑलवेज हम यदि निकालना होगा लोएस्ट तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि हाईएस्ट तो ये। तो यदि रजिस्टर किसमें? पैरेलल में लगे होते हैं तो क्या होता है? रजिस्टेंस क्या होता है? लोएस्ट होता है, मतलब कम होता है। उनका जो रिजल्टेंट रजिस्टेंस होगा वो कम हुआ, यदि कंपेरिजन करेंगे। और यदि उनको हम बात करेंगे सीरीज में तो हाईएस्ट होता है। तो सीरीज में हाईएस्ट और पैरेलल में लोएस्ट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ द टू, वन टोस्टर ऑफ 1 kW, यानी दो टोस्टर हैं, एक तो 1 kW का है, दूसरा कितना है? 2 kW। दूसरा 2 kW का है, ओके राइट। विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड हाउ मेनी टाइम्स, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? देखिए ये किलोवाट मतलब कि क्या है? ये पावर की यूनिट है। ये क्या बताए? पावर। पावर का फॉर्मूला इसमें लगेगा V² / R। अब आप सोचेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया नहीं है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया होता है तो हम 220 वोल्ट ले लेते हैं, सेम ले लेंगे दोनों का। यहाँ पर यही रहेगा V² / R, यहाँ पे R1, ये R2, इसको लिख लीजिए P1 और P2। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों सेम ही उससे सर्किट से लगे हुए हैं, मतलब जो है दोनों में सेम ही कंडीशन है, राइट। तो अब देखिए किसका, देखिए P हमें रेजिस्टेंस बताना है किसका ज़्यादा, तो R1 = क्या हो गया? V² / P1, और यहाँ पर R2 हो गया V² / P2। तो खुद आप देख सकते हैं कि जिसका जिसका देखिए ये क्या है, ये ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ओके, क्योंकि पावर और इनका क्या होता है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यदि हाउ मैनी पूछा है तो निकाल लीजिए, इतना है तो यहीं पर आप करके दिखा सकते हैं। यदि एक नंबर में क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा, हाउ मैनी में सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आप 220 रखिएगा और यहाँ P1 की जगह कितना रख दीजिएगा? यहाँ पर 1 kW है ना, पर ध्यान रखिएगा किलोवाट है ये, यहाँ हम रख रहे हैं वो उसमें, तो ध्यान रखिएगा इसको किलोवाट को हम वाट में चेंज करके, यानी कि इंटू 1000 और यहाँ पे भी इंटू 1000, तो किस में बन जाएगा? वॉट में। तो मैं यहाँ कर देती हूँ, चलिए R1 एक पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगी मैं, 220 × 220/1000, दूसरा वाला आ जाएगा R2 220 × 220/2000, राइट। क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो है 220 वोल्ट सप्लाई होती है, ये नॉर्मल मरिट है जनरल वे में, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हाउ मैनी, अब हाउ मैनी टाइम्स पूछा है, हाउ मच पूछेंगे ये। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ हाउ मैनी टाइम्स लिखा है, तो चाहे तो आप इसको कितने टाइम, तो इसको आप V² ही रख सकते हैं। देखिए इसको आप V² ही रख सकते हैं और कंपेरिजन ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। यहाँ से हम खुद ऑटोमेटिकली करेंगे कि देखिए खुद नज़र आ रहा है, यहाँ पर यदि हम इसको देखिए ऐसी हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 1000 × 2, हो गया नहीं हो गया ये,
इंटू टू हो गया ना यहाँ पर ये, तो देखिए खुद कंपैरिजन आपका नजर आ रहा है कि ये वाला इसका जो है हाफ है, ये हाफ हो गया। ये देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आर टू, इसकी जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा की पूरा क्या हो गया आर हो गया, तो आर वन बाई टू, मतलब जो आर वन है वो क्या है टू आर टू, कंपेरिजन हो गया, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई थिंक आपके बात आ रही होगी मेरे। मैं बिल्कुल क्वेश्चन इस तरह न्यूमेरिकल करा रही जिस तरह की आप लोग सोचते हैं, मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करा रही हूं मैं। अब फिफ्थ वाला है, फाइंड आर बल्ब रेटेड 100 वॉट, 100 वॉट और 250 वोल्ट। ये आप देखेंगे जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं वहाँ पे रेटिंग लिखी रहती है, आपने देखेंगे आप देख फ्रिज है कहीं भी सब लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है रेटिंग का मतलब कि यदि 250 वोल्ट जो भी लिखा है इतनी वोल्ट सप्लाई पर इतनी पावर देगा। मान लीजिए यहाँ पर 200 हो जाएगी तो पावर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो भी चेंज हो जाएगी, बट इसका क्या सेम रहता है आर, जो रजिस्टेंस है वो ठीक रहेगा। तो इस कंडीशन में जब ऐसे जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ तो फिलहाल अभी कर लेते हैं आर निकाल लेते हैं, तो आर क्या हो जाए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर क्या हो गया 250 इंटू 250 अपॉन 100, कितना हो गया 625 ओम, राइट, 100 वॉट 250 वोल्ट, ठीक है वी स्क्वायर बाई आर, ये भी आ गया निकल करके, तो ये हमारा आर निकल आया। अब यदि ये कहेंगे कि इसको 200 में करा गया, कि ये रेटिंग है 200 वोल्ट सप्लाई में करा गया, तो क्या करेंगे, तो भी आप आर निकालेंगे, आर निकल आया वापस से फिर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कितनी सप्लाई में यहाँ पर आर सेम है तो कितनी वो करंट करेगा, ऐसे आता है कि देखिए इसमें इतनी पावर तो इतने में कितनी पावर देगा, पावर पूछेंगे तो पावर में फॉर्मूला वही वाला लग जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, बट अब की बार हम आर क्या लिखेंगे ये लिख देंगे। ठीक है, अब यदि ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये रेटिंग है तो ये बताइए कि यदि 200 हम वोल्ट से लगा देंगे इस वाले से बैटरी से लगा देंगे तो बताइए कितना करंट पास करेगा, यहाँ पे करंट पूछेंगे तो नॉर्मल की बात है पी इक्वल्स टू वी आई से निकाल लेंगे। अब यदि पूछेगा कि यदि 220 वोल्ट सप्लाई से कर दिया तो करंट कितना होगा, तो पहले हम आर निकालेंगे फिर ओम्स वाला जो फॉर्मूला होता है ओम वाला वी इक्वल्स टू आई आर, इस वाले फॉर्मूले से हम इसमें करंट निकाल लेंगे। ये आप ध्यान रखिए, फिर दोबारा बता रही हूँ, यदि ये ऐसे है सिंपल यहाँ पर यदि पूछते हैं कि यही सप्लाई है तो पावर तो ये होगी ये हमारा इतना, यदि यहाँ पूछते हैं कितना करंट होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे कि रेटिंग इसकी ये है और कितना यहाँ पर करंट होगा तो P इक्वल्स टू वी आई से निकाल लेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि इनको जो है 220 वोल्ट सप्लाई से करा तो पहले हम R निकालेंगे, R निकालने के बाद में फिर V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जो रेटिंग है मतलब कि इतनी सप्लाई है इतना यहाँ पर इतनी वोल्ट पर इतनी पावर देगा, यदि ये कम ज़्यादा होगी तो पावर कम हो जाएगी बट क्या सेम रहेगा आर सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। सिक्स वाला, अब बल्ब रेटेड 5 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर, बल्ब रेटेड एट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पर इतने मिली एम्पियर, कैलकुलेट पावर एंड रेजिस्टेंस। देखिए आ गया नहीं आ गया क्वेश्चन, तो यहां मिली एम्पियर है, पहली बात पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा वी आई, यहाँ पे V 5 होगा और I इसको हम बना लेंगे किसमें एम्पियर में, मतलब कि अपॉन 1000, ध्यान रखिएगा इस बात का तभी ये पावर वॉट में आएगा। ओके अच्छा, और एक यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 1000 वॉट होते हैं, यदि किलो वॉट में पूछेगा तो जो आंसर निकल कर आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अंडरस्टूड, P निकल आया, अब कह रहे R, आर हमें क्या क्या पता है, ये मालूम है हमें 5 वोल्ट है, करंट कितना है 100 मिली एम्पियर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आई निकालने के लिए वी इक्वल्स टू आई आर,
ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस वाले फॉर्मूले से हम आई निकालेंगे। ओके अंडरस्टूड। सॉरी इस वाले फॉर्मूले से हम लोग आर निकालना है, सॉरी आर निकालेंगे वी इक्वल्स टू आई आर से। अब मैं सारे फॉर्मूले यहां पर लिख देती हूं मैं, जिससे कि आगे वाले क्वेश्चन में आसानी होगी। क्यू इक्वल्स टू एन ई, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, वी इक्वल्स टू आई आर, और पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स एक पहले W बाई Q, और दूसरा फॉर्मूला होता है ये ओम्स लॉ वाला V इक्वल्स टू आई आर। फिर R का फॉर्मूला आता है रो L अपॉन A, यही मैंने फॉर्मूला एक बताया था रो L स्क्वायर अपॉन V। यदि वायर को हम स्ट्रेच करेंगे वो मैंने बताया था, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या चेंज नहीं होगा उसका, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा उसका, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद में हीट का फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी वी आई टी और वी स्क्वायर बाई आर टी। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। मैंने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी में वर्क है, हीट है, एनर्जी है, सब में वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क से क्या हो रही है, मतलब ये आपकी एनर्जी आ रही है, एनर्जी से हीट हो रही है, तो वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, वो मूव कर रहे हैं कि मतलब मोशन कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यानी वो वर्क कर रहे हैं कैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उससे हीट आ रही है। तो यदि वर्क में पूछे या एनर्जी या हीट, सब में फॉर्मूला वाला लगता है। तो P इक्वल्स टू, तो W की जगह हम ये रखते चले जाएंगे, तो सब में से क्या करिए T को हटाते रहिए, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, पावर का बन जाएगा। उसके बाद में एनर्जी का फॉर्मूला आता है P इंटू टी, तो वापस से अलग फॉर्मूला लगा लीजिए, यदि P पता है तो P इंटू टी आ गया। फिर कॉस्ट वाला फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, पावर किस में होती है, टोटल कॉस्ट पावर किस में होगी, किलोवाट में, टाइम किस में होगा, आर में, और उसके बाद इनटू कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, क्योंकि किलोवाट आर क्या होती है, वन यूनिट होती है, राइट। अब हम क्वेश्चन करते हैं कौन सा वाला, फिफ्थ सिक्स, एक मिनट, ये मैंने काउंटिंग गड़बड़ कर दी, मिट गई थी यहाँ पर, तो ये वाला तो एट्थ था और ये वाला सेवन। ओके तो अब क्या क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वुड फ्लो पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन वन एम्पियर करंट फ्लो इन इट। कैलकुलेट द, मैं ये वाले यहां पर लिख दूं, मैं क्यू इक्वल्स टू एन आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, राइट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वुड फ्लो पर सेकेंड थ्रू द, हमें क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, राइट, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, एन निकालना है। आपको फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है। अब गिवन क्या क्या है, वुड फ्लो पर सेकेंड, टाइम कितना है, वन सेकेंड, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन, ये वायर हुआ, ये इसमें से कितने करंट फ्लो होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये कितने, एक सेकेंड में, करंट कितना है, I इक्वल्स टू कितना है, वन एम्पियर। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, हमें Q पता है, T मालूम है, I मालूम है, इसके रिलेशन से देखिए फॉर्मूला कौन सा वाला आएगा, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। हमें Q नहीं पता है, हमें नंबर, अब इस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ई, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम एन ई लिख सकते हैं, एन ई बाई टी, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर करंट कितना है, वन एम्पियर है, एन ये ई हो गया, ये ठीक है,
टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड, राइट। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हम लिख देंगे, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके ये आ जाएंगे। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, राइट। तो आप खुद निकाल लेंगे, देखिए निकल करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो मैंने फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन कराया था एक तरह से वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको खाली चेंजेस कर दिया गया, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज वही सब कुछ है, सब कुछ पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर 1 एम्पियर करंट थ्रू। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, सब कुछ वही क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, दिस वाला फॉर्मूला, ये वाला। आई थिंक आपके समझ में आया होगा, ओके राइट। आप देखिए तो जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 कराया था उसी तरह से है, सेम 7th वाला क्वेश्चन, बस लैंग्वेज को सिर्फ चेंज करा और कुछ भी नहीं करा इसको, ओके। अब नाउ 8th वाला, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 1100 ओम ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स इंस्टेड ऑफ बल्ब। तो क्या कह रहे हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक बल्ब जो बल्ब है ये, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1100 ओम है। मैंने कहा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, तो आर दिया हुआ है, आर बल्ब का कितना है 1100 ओम है, ओके राइट, ठीक है। फ्रॉम आर 220 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट है, ओके राइट। इफ ठीक है, तो अब यहां करंट निकालना, नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। इससे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, हमें R भी पता है, हमें V भी मालूम है, V इक्वल्स टू आई आर इससे हम लोग निकाल लेंगे, अंडरस्टूड, ओके। अब इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि यदि इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, मतलब कि ये जो बल्ब था, बल्ब की जगह अब हीटर आ गया जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, तो कितना करंट फ्लो होगा, नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ इस आर की जगह क्या जाएगा, ओम आ जाएगा। इसी में कभी कभी आगे क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों के करंट को कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन भी आप लोग कर लेंगे, ओके, समझ में आ गया, अंडरस्टूड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, वायर है ये, कितना रेजिस्टेंस है इसका 6 ओम, कनेक्टेड टू अ बैटरी, मतलब कि इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर, मैंने कहा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, 12 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, फाइंड आई, आई निकालना है, आई कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर, मतलब कि I इक्वल्स टू वी बाई आर, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, सो मैनी प्लेसेस, ज्यादा ही वाला फॉर्मूला काफी यूज होता है, क्लियर। अब आगे क्या है, इफ सेम वायर स्ट्रेच, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इफ द सेम वायर स्ट्रेस्ड, मतलब कि यहां पर जो वायर है उसकी, जो वायर है उसकी लेंथ सपोज ये है, ये एल है, ये तो स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया, यहां पर ये 12 कर दिया गया, तो क्या चीज सेम रही बताइए मुझे, सेम क्या रहा, इसकी वॉल्यूम सेम रही, एरिया चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैंने ऐसी जगह क्या कह रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, आर इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन टी, मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो ये वाला हम फॉर्मूला यहां पर लगा लेंगे, ओके। तो अब देखिए, ओके राइट, तो यहां पर देखिए कहां गए क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड टू बैटरी, थोड़ा पास में कर देती हूं मैं, थोड़े बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा आप लोगों को, क्लियर हो गया, चलिए देखिए।
फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ये तो हो गया। इफ द सेम वायर स्ट्रेच, मतलब अब लेंथ 2 कर दी गई तो हमें न्यू आर बताना है। तो देखिए पहले आर कितना था, यहाँ पर 6 ओम था, इस वाले का आर कितना है 6 ओम है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो मैंने बताया, कौन सा फॉर्मूला लगे, एल स्क्वायर अपॉन बी लगाएंगे। यहाँ पे रो, यहाँ पर एल कीजिए कितना आ जाएगा, 2L स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ये V तो यही रहेगा। अंडरस्टूड। अब देखिए ये वाला R डैश है, R डैश इक्वल्स टू रो 4L स्क्वायर अपॉन V। ओके, अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये R डैश इक्वल टू, ये देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर इंटू 4, मतलब 4R। पहले वाला कितना 6 था, तो R डैश इक्वल टू क्या हो गया 24 ओम। अंडरस्टूड। तो जब भी इस तरह से वाले क्वेश्चन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, R रो L अपॉन A मत लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। अब टेंथ वाला, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रजिस्टर ए एंड बी ईच ऑफ 22 ओम रजिस्टेंस, राइट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220, हॉट प्लेट है, इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, राइट, किससे 220, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट करा गया, ठीक है, हैज टू रजिस्टर ए एंड बी, और ए और बी उसका रजिस्टर है, दोनों का कितना है 22 ओम है, राइट। दी रजिस्टर मे बी यूज सेपरेटली, मतलब ये जो रजिस्टर, देखिए ऐसे करके रजिस्टर हुए, ये यहां पे कितनी है 220 वोल्ट, इस वाले की किससे है, ये ऐसे समझिए 220 वोल्ट, कितना है यहाँ पर 22 ओम और 22 ओम, राइट। तो सेपरेटली करा गया, और सीरीज में और पैरेलल, आई थिंक क्लियर नजर नहीं आ रहा, एक सेकेंड, अब शायद क्लियर आ गया होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर पहले सीरीज में पैरेलल में फाइंड करंट आई फ्लोइंग इन ऑल थ्री केसेस। तो देखिए सेपरेटली में क्या आएगा, यहां पर वी आई इक्वल्स टू वी बाई आर, मतलब कि 220 अपॉन आर कितना है 22, मिस 10 एम्पियर आ गया। सीरीज में करा गया, मतलब इन दोनों को एक साथ सीरीज में करा गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, 22 22 सीरीज में हुआ, तो यहाँ रिजल्टेंट फॉर्मूला यही लगेगा, बट यहाँ पर रिजल्टेंट R कितना आएगा, कैसे करेंगे, R1 प्लस R2 मतलब 44 ओम। तो यहाँ वाला अब I क्या कितना आ जाएगा, V 220 रहा, R कितना आ गया 44, इसको कर लेंगे तो निकल कर आ जाएगा जो भी आएगा। अब इसको कहना है पैरेलल में, पैरेलल मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे करके कनेक्ट करा गया इन दोनों को। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादातर आता है कि तीन केसेस, तो यहां पे क्या निकलेगा 1/22 1/22 2/22 1/11, तो R कितना आ जाएगा 11 ओम, ये आपको पता है 11 ओम आएगा, तो यहां पर रख देंगे 11 रख देंगे। तो तीन केसेस हो गए, फॉर्मूला यही लगेगा, पहले केस में ये हुआ, सेकंड केस में क्या करा हमने, R निकाला पैरेलल वाले से, निकाला R निकाला हमने R1 प्लस R2 वाले से, फिर पैरेलल में करा तो R1 प्लस R2 से, मतलब R यहां पर चेंज होता रहेगा और तीनों केसेस में आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे। अब 10 क्वेश्चंस और हैं, तो मैं 10 क्वेश्चन कैसा करती हूँ, आपका सेकंड पार्ट में करा देती हूँ मैं, राइट।
मैं 10 क्वेश्चन आपको फिर कराती हूँ दोबारा से। ओके अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का। इसमें 16 है, 17, 18, 19 जो बाकी जो मतलब 4 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी मैं। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग वो निकाल लीजिए यदि वही प्रिंटर है आपके पास में, और हम लोग करते हैं। अब देखिए 11th क्वेश्चन। अ मेटेलिक वायर ऑफ 625 मिलीमीटर लेंथ ऑफर अ 4 ओम रेजिस्टेंस, राइट? ठीक है, तो मतलब कि मेटेलिक वायर है यहाँ पर, मैं यहीं पे कर देती हूँ, ये वायर है, ये इसकी लेंथ कितनी है 625 मिलीमीटर। पहली बात तो ये मिलीमीटर है, इसको मीटर बनाएंगे। ऑफर अ 4 ओम रजिस्टर, मतलब रजिस्टेंस कितना है इसका, 4 ओम है। इफ द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, ये रजिस्टिविटी कितनी है यहाँ पर, ये है रजिस्टिविटी। देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब हमें आर पता है, रजिस्टेंस पता है, लेंथ पता है, रजिस्टिविटी पता है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूले सारे आपके माइंड में होने चाहिए, रो एल अपॉन ए। सबसे पहले अभी भी नहीं करें तो पहले फॉर्मूलों को सबको एक जगह लिखिए, मैंने फॉर्मूले के अलग से मेरी वीडियो भी है, उसको अच्छे से समझिए फिर क्वेश्चन करिएगा। फॉर्मूले माइंड से निकलते आने चाहिए। ये फॉर्मूला लगा, अब देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओम कब बनता है, ये मिलीमीटर किसमें, मीटर में होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट? मीटर बन गया यहाँ पर, अब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर कितना आ गया, तो एरिया निकालना, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाए, एरिया इक्वल्स टू रो एल अपॉन आर। यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की जगह ये आ जाएगा 6.25 और इसकी जगह 4 ओम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एरिया निकल कर आ जाएगा। ओके अंडरस्टूड, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व में टाइम नहीं होता इसलिए सॉल्व में नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपके? ओके राइट। तो मेन देखिए क्वेश्चन मैंने बताया न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूलों का अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12 वाला, अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट, रेटेड मतलब कि वो मैंने बताया था ये कितना, 200 वोल्ट, 100 वॉट, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पावर है। फाइंड रेजिस्टेंस, आर निकालना है, आर क्या नहीं होगा, फॉर्मूला कौन सा होता है, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, आर निकल आएगा इससे, वी स्क्वायर बाई पी, राइट? फाइव सच बल्ब, ऐसे 5 बल्ब, ठीक है, बर्न 4 आवर्स डेली, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मतलब कि हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू टी, राइट? अब यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये जो है कुछ इतने वोल्ट से इन्होंने करा, ये इसका मतलब हम यही मानेंगे कि 200 वोल्ट पर ही वो सब कुछ सर्किट उसी पर हमारा जो है ये लगा हुआ, वो चेंज नहीं हुआ। तो पी कितना है यहाँ पर, 100 हो जाएगा। ओके अब इसको किस में निकाल लिए, अब यहाँ आगे कॉस्ट यानी किलोमीटर किलो वॉट आर में निकाल लिएगा। यदि यहाँ पर हमें जूल में निकलेगी तो यहाँ पर पी किस में, वॉट में होगा, टाइम किस में, सेकंड में होगा, ध्यान रखिएगा टाइम सेकंड में। यदि जूल में निकालनी होगी तो ये वॉट तो है गई, तो कितने इसमें है, कितने वॉट है, 5, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड बनाने पड़ेंगे, तो जूल में आएगा, राइट? राइट कि पावर वॉट में, टाइम किस में, सेकेंड में। बट आगे हमें ये भी निकालनी है, तो हमेशा क्योंकि हमारे यहाँ किसमें, किलोवाट आर में होती है, तो किलोवाट आर में करिए यहाँ पर, 100 अपॉन 1000, ये बन गया किलोवाट, इंटू कितने हैं, 5, टाइम कितना है, 4, तो ये एनर्जी निकल कर आ जाएगी। आर तो अलग निकाल लिया, वो निकल के आ ही गया, एनर्जी यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वॉट यही रहेगा, पावर यही रहेगा, ओम में निकल कर आएगा, पावर वॉट में ही रहेगी। तो ये एनर्जी किस में, किलोवाट आर में आ जाएगी, 5 1 जा 5 2 जा
मीन्स यहाँ पर 2 kWh, राइट। अब हमें निकालना है फाइंड कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है? यदि कुछ भी नहीं निकाला होता है, ध्यान रखिएगा 50 पैसे है, टोटल कॉस्ट क्या होती है? पावर इंटू टाइम इंटू कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है। अब यहाँ तो हम ये निकाल ही चुके हैं, एनर्जी निकाल चुके हैं हम, एनर्जी कितनी यहाँ पर 2 kWh आ गई, 2 × 50 पैसे, इसको हम कर देंगे आंसर रुपीस में हमारा आ जाएगा। यदि ये नहीं निकाला होता तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे करना पड़ता, पी किस में था, ये 100/1000, ये हो गया कितने 5 × 4R है इंटू 0.50, ये निकल कर आ जाती। बट एनर्जी पहले निकाल चुके हैं तो एनर्जी कंज्यूम इंटू कॉस्ट, तो इतना जो आपके टोटल कॉस्ट का, एनर्जी कंज्यूम इंटू कॉस्ट, चाहे एनर्जी अलग से निकाल लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, अंडरस्टूड। तो एनर्जी जो एक यूनिट होती है वो 1 kWh इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब 13 वाला, अब वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, मतलब वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर लॉन्ग है, 0.2 mm इन डायमीटर। जो वायर है, देखिए मैंने कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, डायमीटर मतलब ये कितना है 0.2 mm, तो और क्या दे रखा है, हैज अ रेजिस्टेंस आर, कितना है 10 ओम है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब रो, रो एल अपॉन ए, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब देखिए आर कितना है यहाँ पर 10, मल्टीप्लाई एरिया का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई को यहाँ पर 3.40 लिख दीजिए चाहे 22/7 लिख दीजिए, कटिंग के अकॉर्डिंगली बता दीजिएगा आपने वैल्यू क्या पुट करी है। आर कितना हुआ यहाँ पर 0.2 है, तो यहाँ पर 0.2/2 करेंगे, डायमीटर है मतलब 0.1 हो गया, इंटू 0.1, बट किसमें मिलीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में बनाएंगे, 1000 × 1000, राइट। अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर 1 मीटर, तो इसको हम 1 को यहाँ पे ही लिख लेंगे, इतनी तो कैलकुलेशन आप लोगों को पता होगी 1 मीटर, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाएगी, रो निकल कर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा जब आप सॉल्व करें, थोड़ा उसमें मैं थोड़ा कर देती हूँ सॉल्व, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 3 और 3 कितने 6 हैं, तो इसको 1 0 चलिए यहाँ कैंसिल हो गया, तो 3.14 × ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दीजिए, 10 × 10, ठीक है 2 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10^1, 2 और 3 ये है और 2 ये, 2, 5, 6, 7, तो -7 लिख देंगे यहाँ पर, ये ओम मीटर, ऐसे लिखने का ही मेथड होता है, अपॉन में था -7 आ गया, देखिए 1, 2, 3 और 2, 5, तो ये लिखने का मेथड होता है, मैंने इसलिए आपको लिखा ये, राइट। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा इस चीज का। 14 वाला, एन इलेक्ट्रिक हीटर 1100 W 220 V, यानी ये इसकी रेटिंग है, कैलकुलेट आर, आर का वही फॉर्मूला होगा, क्या होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर निकालें तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, कुछ चेंज नहीं करना। एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वॉट आर, यहाँ लिखा है किलो वॉट आर में निकालिए, तो ई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू टी, किलोवाट आर का मतलब क्या हुआ कि पावर को किस में निकालेंगे, इसमें हम अपॉन 1000 कर देंगे, टाइम टाइम कुछ दिया है इसमें, इन द मंथ ऑफ नवंबर इज यूज डेली एट 220, मतलब कि रोज नियम से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो यानी कि इतना ही हुआ, टाइम रोज का नहीं बताया, तो रोज का हम यही मान लेते हैं इतना ही वॉट हो गया, और कितने मंथ
यानी कि कौन से मंथ में ये मंथ हो गए, नवंबर। नवंबर कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो यही आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा और इससे टाइम निकल के आ जाएगा कि ये इसको करेंगे तो किस में, कि ये आपके किलोवाट आर में आ गई। फिर यहाँ पे कह रहे हैं अच्छा सेम है 220 सप्लाई, बस हो गया, फिर तो क्वेश्चन आ गया, ये कुछ करना ही नहीं इसमें, आगे लिख रखा है सेम सप्लाई है, तो एनर्जी क्या होगी, पी इंटू टी होती है, टाइम का कुछ लिखा है तो टाइम क्या हुआ, 30 मंथ हुए, तो मतलब रोज यहाँ पर रोज पावर की ये हुई और 30 मंथ हो गए, तो एक एक घंटा मान लिया गया, लिखा नहीं है तो मतलब 1 आवर माना गया कि 1+1 आवर, राइट, इंटू 30 कर देंगे, निकल के एनर्जी आ गई। तो देखने में टफ लगते हैं बट इजी होते, तो मेनली क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, फिर करिए। 15 अ पीस ऑफ वायर इज रीड ऑफ विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, वे वायर है, इसको फिर से करा, रेडियस क्या हो गई इसकी, हाफ हो गई, मतलब और वायर पतला हो गया, वॉल्यूम क्या हुई दोनों की सेम हुई, रेडियस यहां पर यदि आर है तो ये हो गई R/2, राइट, ठीक है। कंपेयर न्यू और ओरिजिनल आर, तो आर का फॉर्मूला क्या हुआ यहां पर, मैंने बताया था जब ऐसे हो तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है रो एल स्क्वायर अपॉन वी, न्यू वाला हो गया आर डैश लिख लीजिए, रो लेंथ क्या हुई, लेंथ को आप लेंथ रहने देंगे, लेंथ को एल डैश कर दीजिए, अपॉन वी सेम रहा, अंडरस्टूड, ओके। अब देखिए अब यहां हम कैसे करेंगे, यहां पर ये इन्होंने ये बताया कि जो वॉल्यूम है सेम रही, मतलब कि जो वॉल्यूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, ये हुई, ये न्यू वाले में क्या करेंगे, वॉल्यूम सेम रही, आर को क्या करा यहां पर R/2 कर दिया इंटू एल डैश, तो इससे निकाल लेंगे हम लोग, राइट, ठीक है, हम इससे निकाल लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, देखिए हम इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिए, इस वाले आर डैश को लिख लेते हैं हम, चल छोड़िए, ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम ये निकल कर आ गई यहां पर ये, तो अब यहां पर इसको यदि हम लेंगे तो एल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे इसको हम चेंज कर लेंगे यहां पर इसकी जगह पर, हम देखें यहां कंपैरिजन में देखिए तो क्या हुआ, देखिए यहां ऐसे लिखिए पाई आर स्क्वायर एल, इस वाले को बी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल डैश, तो दोनों की दोनों वी सेम है, दोनों की वॉल्यूम सेम रही, तो यदि हम यहां पर देखते हैं तो देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर है यहां पर हम चेंज इसको दोनों को इक्वल रख देंगे यहां पर ये, तो पाई आर स्क्वायर एल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 4 इंटू एल डैश, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एल डैश की, यदि हम इसको कटिंग कर दें यहां से तो एल डैश की वैल्यू क्या आएगी, न्यू वाले की आएगी 4L, यहां से देखिए क्या करा, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम थी तो पहले वाली वॉल्यूम क्योंकि वायर है तो वॉल्यूम क्या होगी उसकी, देखिए ऐसे वायर है पाई आर स्क्वायर क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हुई पाई आर स्क्वायर एल, न्यू वाले की भी यही हुई बट आर वहां क्या रखेंगे R/2 क्योंकि जो रेडियस है हाफ हो गया, यहाँ ये निकल कर आ गया, ये दोनों क्योंकि वॉल्यूम से है ना दोनों को इक्वल करा, इक्वल करेंगे तो देखिए जो न्यू वाली है वो क्या आ गई 4L आ गई, अब यहाँ पर इसकी जगह हम 4L पुट कर देंगे, फोर एल हमने पुट कर दिया तो देखिए आर डैश इक्वल टू 4R, ये कंपैरिजन हो गया कि जो न्यू वाला रेजिस्टेंस है उसके ओरिजिनल वाले का 4 times होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा होगा बट इजी से आप ध्यान से समझेंगे लैंग्वेज को तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या करा मैंने, सिंपल देखिए ये चीज लिखी मैंने यहां पर, फिर क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम थी तो दोनों की वॉल्यूम को सेम करनी, इस वाले को और इसको मैंने क्या करा सेम कर दिया, इक्वल करा तो न्यू वाली लेंथ निकल कर आ गई, उसको मैंने यहां पर पुट कर दिया, अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं 16th वाला, 16th वाला थोड़ा सा कर रखा है मैंने, चलिए कोई बात नहीं और टाइम देख लेते हैं।
आर ऑफ द पाथ, देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर, देखिए ऐसे करके थोड़ा इसमें ये चीज समझिए, ऐसे समझिए यहाँ पर ये चीज कि ये देखिए कुछ रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, इसे बाहर है यहाँ पर ये, तो ये देखिए किसमें हुआ, ये दोनों पैरेलल में हुए, एक्स जेड वाई और एक्स टी वाई क्या हुए, दोनों पैरेलल हुए, ये बात माइंड में रखिए, ये दोनों पैरेलल में है, इसको समझ लीजिए ऐसे करके बना हुआ है ये, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, राइट तो ये पैरेलल में है, हमें क्या बताना है, फाइंड आर बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब कि पैरेलल में है, इसका क्या है एक्स वाई जेड का कितना है 6 ओम और ये कितना है 2 ओम, तो आर कैसे निकालेंगे, 1/6 + 1/2, समझ में आया, देखिए दिखाई पड़ रहा थोड़ा सा, 1/6 1/2 ये निकल कर आ गया, आ गया। फिर क्या निकालना है उसके बाद में, हमें फिर करना है कैलकुलेट, अच्छा करंट इन मेन सर्किट, करंट निकालना है, तो देखिए यहाँ पर कितना है ये 6 वोल्ट है, यहाँ कितना है ये 6 वोल्ट है, देखिए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कितना है यहाँ पर, ये देखिए 6 वोल्ट है 6 वोल्ट, यहाँ का हमने आर निकाल लिया, राइट ये 6 वोल्ट है, तो अब हमें आई निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये हमने निकाल लिया था कितना 1.5, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया यहाँ पर 1.5, और ये 1.5 है गई, ये किस में हो गए सीरीज में, तो 1.5 + 1.5 देखिए ये निकाल रखा है मैंने, क्या आ गया 3 ओम आ गया, 3 ओम आ गया ये, अब जब 3 ओम आ गया तो उसके बाद में आई निकाल लेंगे, वी इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से, यानी आई इक्वल टू वी बाई आर, तो 2 एम्पियर आ गया सर्किट का। अब मेन क्वेश्चन आता है थर्ड वाला, कैलकुलेट करंट फ्लो थ्रू एक्स वाई जेड एंड, मतलब हमें निकालना है करंट यहाँ पर और यहाँ पर, तो करंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही V इक्वल टू आई आर, मतलब कि I स्क्वायर टू V बाई आर वाला फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन यू नो यहाँ पर सीरीज में हुआ भाई, ये दोनों देखिए, ये जो सर्किट को मैं रीड्रॉ करती हूँ मैं, देखो ये ऐसे करके हुआ, हम यदि इसको ऐसे करके मान लेंगे, ऐसे करके रिजल्टेंट आ गया, तो जो यहाँ पर कितना आया था, कितना आया था यहाँ पर 1/2, अच्छा 1.5 आया था, तो जो 1.5 ओम आया तो ये किस में आ गया, ये सीरीज में आ गया, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है, करंट सेम होता है, आई भी यहाँ आई भी सेम होगा, तो जो आई हमने निकाला है कितना आया 2 एम्पियर, सब जगह 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा, बट क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्या बदलता है, V यहाँ पर कुछ V1, टोटल कितना होगा यहाँ पर, कितना है 6 वोल्ट है, तो कुछ यहाँ V1 होगा, कुछ यहाँ V2 होगा, तो यहाँ वाले के V1 को हम कैसे यहाँ निकालें, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर, यहाँ का नहीं यहाँ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला करंट तो यही है V, और यहाँ पर R कितना है 1.5, तो V इक्वल्स टू आई आर, आई कितना 2 और ये 1.5 ओम, मतलब कि 3 वोल्ट, इसका जो यहाँ पर है यहाँ कितना होगा 3 वोल्ट होगा यहाँ पर, ये यहाँ से कितना हुआ यहाँ पर 3 वोल्ट हुआ, अब ये दोनों पैरेलल में है तो मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बात समझ में, 3 वोल्ट यहाँ पर कितना है 2 ओम, इसमें है एक्स वाई जेड में कितना है 2 ओम है, और यहाँ कितना है 6, यहाँ पे पास में कर देती हूँ मैं, यहाँ कितना है ये 6 ओम है, तो 3 वोल्ट और 6, इससे हम आराम से इजिली करंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ का ये पैरेलल में हुए तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा 3 वोल्ट, कितना है 2, तो इससे आई निकाल लेंगे, आई स्क्वल टू वी बाई आर, इसका भी आई निकाल लेंगे, मतलब वी कितना 3/2, यहाँ जाएगा 3/6, समझ में आ गया। अब मैं आगे थोड़े से क्वेश्चन कराती हूँ, और 16 क्वेश्चन हो गए, अब देखिए 17 क्वेश्चन कराती हूँ मैं, ये मेरे थोड़े सर्किट के वाले हैं क्वेश्चन, ऐसे करके है ये,
हालांकि इस वाले करा चुकी हूँ मैं, लेकिन बट मैंने सोचा थोड़ा से करा दूँ मैं आप लोगों को, ये जाता है आ जाता है ये वाला, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ यदि हमें रिजल्टेंट आर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से रखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, किस में ये दोनों, ये दोनों पैरेलल में है, और यहां सब में कितना है, 2 ओम, 2 ओम का है, सब में 2 ओम है, इन सब में 2 ओम है, तो ये पैरेलल में है, पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, यहां पे निकल कर आ जाएगा 1 ओम, इसका भी क्या आ जाएगा 1 ओम, इसका भी क्या आ जाएगा 1, ध्यान रखिए, देखिए ये सबका 1 1 ओम आ गया। अब देखिए यहां पर है ये, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये बार बार रीड्रॉ करते हैं तो कितना हो गया, ये टू ओ और 2 ओ, ये दोनों फिर पैरेलल में हो गए, तो 1/2 प्लस 1/2 इसको निकाल लेंगे, फिर से वापस निकल के क्या आ जाएगा, 1 ओम आ गया, तो आंसर आ जाएगा 1 ओम, मतलब कि हम रीड्रॉ रीड्रॉ करते रहते हैं, ये हो गया 17 क्वेश्चन, हम लोग रीड्रॉ करते रहते हैं। एक इसी में रिलेटेड में और बताऊं मैं थोड़ा सा, जैसे ये है देखिए, देखने में देखिए आप लोगों को लगेगा बट वैसे बहुत इजी है ये, ऐसे करके है ये, ठीक है, ये टर्मिनल, ये ए और बी के बीच बताइए, अब कैसे करेंगे आप सोचिए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, हम क्या करेंगे इसको रीड्रॉ करेंगे, अब आई थिंक आपके समझ में आ गया कि ये तीनों पैरेलल में हैं, सपोज यहाँ 1 ओम, 1 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम है सपोज, तो इनको पहले यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 निकाल लेंगे, फिर निकल के इन तो तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको वापस से फिर यहां लगा देंगे, क्या आ गया 2/3 ओम, ये पहले से 2/ ओम है, अब ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया, तो देखने में कितना टफ था बट वैसे कितना आ गया, इजी हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताती हूँ, मैं 19 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, पहले हालांकि सेकंड क्वेश्चन कराया था मैंने कि जैसे होगा या तो ड्रॉ करो या बने हुए आएंगे, सपोज यहां पर ये है ऐसे बने हुए अलग अलग, एक यहाँ बना हुआ है, थोड़ा जल्दी के चक्कर में साफ साफ नहीं बन पा रहा है, एक ये रजिस्टर बना हुआ है, ठीक है, एक यहाँ रजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर है, एक यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पर सेल है, ठीक है, यहाँ पे सेल है, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर सबके साथ में यहाँ पर ये आपका वोल्ट मीटर लगा दिया, एक इसके संग में वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर सपोज, एक इस वाले के साथ में, यह क्या करें, चलो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहां सपोज दे दिया 6 वोल्ट है ये, यहां पर 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, यहां पर 6 ओम है, तो रीडिंग ऑफ एमीटर बताओ, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताओ, एमीटर की रीडिंग के लिए तो क्या करेंगे, इन सब का रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी ये पैरेलल में है, पैरेलल में है और ये सीरीज में है, तो पहले इनको पैरेलल में करके एक रिजल्टेंट निकाल देंगे, यहां पर ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर आर निकल आएगा, आर निकल गया ये पता है हमें, आई निकल आएगा, तो इसका आई निकल कर आ गया, यानी कि इसकी रीडिंग आ गई, अंडरस्टूड। अब उसके बाद में कह रहे इसकी बताओ, तो देखिए सीरीज में क्या बताया मैंने, वी अलग होता है, वी सेम नहीं होता, आई क्या होता है, सेम होता है, किसमें, सीरीज में, पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम नहीं होता बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता, तो अब ये सीरीज में हुए तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहां पर अलग अलग है, कुछ यहां पर है कुछ यहां पर है, तो अब आई तो बट सेम है, जो भी आई यहां इसकी रीडिंग आएगी वो आई इसकी भी होगी, जो आई यहां पर है वो आई यहां पर होगा, वही आई होगा, ये पहले से पता है, इन दोनों से हम बी निकाल लेंगे,
तो ये ध्यान रखिए, मेन आपको बस ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली करंट कहाँ बट रहा है। करंट यदि बट रहा है तो मतलब कि वो पैरेलल में है, तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। वी क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट सेम नहीं होगा। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक मैं क्वेश्चन और करा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, एक ना ओम्स लॉ में और आते हैं, जैसे वी आई ग्राफ होता है, सपोज यहाँ पर ये वी है, यहाँ पर सपोज ये है, तो यहाँ पे इस तरह से बना, जैसे आर वन लिख दिया और ये आर टू लिख दिया, तो विच इज, मतलब जैसे या तो ऑप्शन देंगे या बताएंगे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में, आपको मालूम है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, और R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आई, सॉरी R इक्वल्स टू हो गया V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू हो गया I बाई V, राइट। हाँ, I बाई V होगा। सॉरी, ठीक है, V बाई, गलत कर दिया मैं, सॉरी सॉरी, वही मैं सोच, R इक्वल टू V बाई आई। तो देखिए यहां पर कुछ इस तरह से करके होगा, ये यहां सेम पर देखिए, तो वी यहां पर सपोज कुछ यहां पर है, ठीक है, यहां पर भी कुछ वी होगा, यहां टू होगा, यहां सपोज फोर है, तो वी आई यहां पर क्या हुआ, आई को कांस्टेंट ले लिया, आई करंट सेम आया, यदि हम ऐसे लाइन खींचेंगे, वी बदल रहा है, आई सेम है, तो नॉर्मल सी बात है जहां ये वाला, इसका क्या होगा, आर ज्यादा होगा, भाई आई तो सेम है, आई सेम है, बट ये वाली चीज बढ़ रही है, यहाँ वी, यहाँ पर ये सपोज वी वन है और ये वाला कुछ वी टू है, तो वी टू क्या है, ग्रेटर देन वी वन है, तो नॉर्मल सी बात है ये वाला बड़ा हो गया। इस तरह से करके देख लेते हैं इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो जिसका, इसका स्लोप क्या हुआ, इसका स्लोप ज्यादा हुआ, तो ये आ जाता हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेनली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से करने हैं, और मैंने सब क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी देख लीजिएगा, हर एक टॉपिक की वीडियोस है उनको आप देख लीजिएगा। और ये तो मैंने एग्जाम के लिए आप लोगों को मेन, ये यदि ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए 20 की 20, और इससे पहले वाले में मैंने रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कराए थे वो सारे कर लिए, तो तीन लगातार जो मेरी वीडियो आई हुई है, पहले मैंने फॉर्मूले की करी थी, फिर उसके बाद में मैंने आपके ये उसके रेजिस्टेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, अभी 20 मिनट न्यूमेरिकल है, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हर एक टॉपिक की वीडियो है ही, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे दूंगी। ओके, राइट, देन ऑल द बेस्ट।